सी सी एम टी ट्वेंटी टू रेगुलर राउंडसपेट एन नेक्स्ट राउंड बट नो सीट अलॉटेड हेलो स्टूडेंट्स आज हम डिस्कस करेंगे डिटेल्स ऑफ सी सी एम टी ट्वेंटी ट्वेंटी टू रिफंड फॉर दो स्टूडेंट्स जिन्होंने सी सी एम टी रेगुलर राउंड में सरेंडर एंड पार्टिसिपेट किया था बट आगे उन्हें कोई सीट अलॉट नहीं हुई सो so स्टूडेंट्स अगर आपको सी सी एम टी ट्वेंटी ट्वेंटी टू रेगुलर राउंड में सीट अलॉट हुई थी और आपने एस एफ पे करने के बाद सरेंडर एंड पार्टिसिपेट इन नेक्स्ट राउंड कर दिया था एंड देन कोई भी सीट अलॉट नहीं हुई तो एट द एंड ऑफ राउंड थ्री आपके पास है टू ऑप्शन या तो आप सी सी एम टी स्पेशल राउंड्स में पार्टिसिपेट कर सकते हैं और अगर आप सी सी एम टी स्पेशल राउंड्स में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं तो आपकी फुल सीट एक्सेप्टेंस फी माइनस रुपीज आपको रिफंड कर दी जाएगी यहाँ जो रुपीज था माइनस किए गए हैं वो थी आपकी प्रोसेसिंग फी सो फॉर जनरल जनरल एंड स्टूडेंट्स रिफंड हो जाएंगे थर्टी थाउजेंड माइनस थाउजेंड यानी ट्वेंटी एंड फॉर एस सी एस टी एंड पी डब्ल्यू डी स्टूडेंट्स रिफंड कर दिए जाएंगे रुपीज टेन थाउजेंड माइनस रुपीज था यानी कि नाइन थाउजेंड रुपीज सो so आपके पास हैं टू ऑप्शंस या तो आप स्पेशल राउंड्स में पार्टिसिपेट कर सकते हैं या आपको एस एफ माइनस रुपीज थाउजेंड का रिफंड मिल जाएगा अगर आपको सीसीएमटी ट्वेंटी ट्वेंटी टू से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो आप हमें कॉमेंट सेक्शन में बता सकते हैं हम आपकी क्वेरी रिजॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे